प्रणाम। स्वागत है आपका भगवद गीता के इस एपिसोड में, जिसमें हम अध्याय 2 और श्लोक 10 की चर्चा कर रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। हे भारत, धृतराष्ट्र, ऋषिकेश श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच शोक करते हुए उस अर्जुन से मानो हंसते हुए इस प्रकार कहा। जब हम अर्जुन की स्थिति देखते हैं और समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि अर्जुन जो है एक बहुत ही दुख की अवस्था में है, एक बहुत ही पीड़ा की अवस्था में है। जो आखिरी जो श्लोक था, उसमें जो है अर्जुन ने जो है श्री कृष्ण को ये बात बोल दी है कि वो युद्ध नहीं लड़ेगा, कि उसने जो है अपने भीतर से जो है एक हार मान ली है, एक बहुत ही असहाय अवस्था जो है उसकी यहाँ पे प्रकट हुई है। लेकिन इस श्लोक में जो है, जब भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन की बात सुनी, तो वो मुस्कुराए और श्लोक बोलता है कि उन्होंने मुस्कुराते हुए जो है अपनी बात कही। एक चीज़ यहाँ पे यह समझने की है कि जब भगवान कृष्ण जो है मुस्कुरा रहे हैं, तो उनकी मुस्कुराहट में भी जो है एक पॉजिटिवनेस है, उसमें भी कुछ शुभ है। ये मुस्कुराहट कुछ ऐसी नहीं है कि उन्होंने जो है कृष्ण से उम्मीद छोड़ दी है। ये मुस्कुराहट निराशा की मुस्कुराहट नहीं है। ये मुस्कुराहट जो है एक ऐसी मुस्कुराहट है जहाँ पे एक पिता जो है जब अपने बच्चे को देखता है, और जब बच्चा जो है अपनी निराशा प्रकट करता है, तो बाप जो है मुस्कुराते हुए उसको जो है सहलाता है और उसको सहारा देता है। भगवान श्री कृष्ण की मुस्कुराहट जो है कुछ इसी प्रकार की है कि वो अर्जुन को जो है एक छोटे बच्चे की तरह देख रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि ये उनका भी कहीं ना कहीं पास्ट रहा है, कि एक वक्त को जो है भगवान कृष्ण जो है अर्जुन की तरह थे, और अर्जुन जिस पीड़ा से गुजर रहा है, अर्जुन जिस दुविधा में फंसा हुआ है, वो भी इस दुविधा में थे, लेकिन वो इससे बाहर आए और अपने भगवान के होने को जो है एक दिन प्रकट कर पाए। तो ये मुस्कुराहट सिर्फ यही बताती है कि अर्जुन की जो स्थिति है वो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। अभी जिस तरह से ये निराशा महसूस कर रहा है, अभी जिस तरह से अर्जुन को लग रहा है कि वो कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाएगा, कि वो युद्ध नहीं कर पाएगा, लेकिन भगवान कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन जल्द ही इससे बाहर निकलेगा और वो अपनी वासनाओं और इच्छाओं से जो है ज़रूर मुक्त होगा। और ये मुस्कुराहट कुछ ऐसी भी है कि जो साधक को जो है एक सहारा देने के लिए है, जो एक साधक को ये बोलने के लिए है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भगवान हमारे निकट है, जब भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो हमें किस बात की चिंता। उस भगवान के आगे जो है हम अपने आप को पूरी तरह से प्रकट कर सकते हैं, उस भगवान के आगे हम अपनी पीड़ा को पूरी तरह से खोल सकते हैं, हम उस भगवान के आगे जो है पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, हम उस भगवान के आगे जो है पूरी श्रद्धा के साथ जो है आगे बढ़ सकते हैं। और अगर उस भगवान को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, उसके सामने जो है अपने दुख को प्रकट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। वही अर्जुन कर रहा है। अर्जुन के अंदर जो है एक बड़ा गहरा ट्रस्ट है, बड़ी गहरी श्रद्धा है भगवान कृष्ण के लिए, इसलिए जो है वो सब कुछ जो है बोल पाया, अपनी स्थिति का साक्षात वर्णन जो है कर पाया, और यही चीज़ जो है भगवान कृष्ण को जो है छू गई। क्योंकि यहाँ पे अर्जुन जो है अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप को खोल के बता रहा है, अपनी स्थिति का जो है वर्णन कर रहा है, और कुछ छुपा नहीं रहा, जो भी उसके भीतर जो भाव है वो प्रकट कर रहा है। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप उस गुरु के साथ जुड़ें, जब आप उस एल्डर के साथ जुड़ें, जब आप उस व्यक्ति के साथ जुड़ें जो आपको प्रेरणा दे सके, जो आपको रास्ता दिखा सके, जो आपको हेल्प कर सके, तो उसके सामने जो है कुछ भी छुपाना मत, उसके सामने सब कुछ अपना प्रकट कर देना, उसके सामने जो है बिल्कुल बच्चे हो जाना। ये मौका ऐसा है कि अब तुम जो है सब कुछ प्रकट कर सकते हो उस भगवान के आगे। और जब आप ऐसे करते हैं तो वो भगवान जो है मुस्कुराता है, उसकी मुस्कुराहट जो है आपको सहारा देती है, उसकी मुस्कुराहट जो है आपको संभालती है, उसकी मुस्कुराहट बोलती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, उसकी मुस्कुराहट बोलती है कि मैं समझता हूँ तेरी दुविधा, मैं समझता हूँ तेरी पीड़ा, मैं समझता हूँ तेरी दुविधा, एक दिन मैं भी इसमें था और मैं इससे बाहर आया, तो तू भी बाहर आ सकता है। ये श्लोक जो है, अगर मुझे थोड़ा टैरो के साथ जो है अगर कंपेयर करना पड़ेगा, तो एक कार्ड है जिसको हम कहते हैं एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स अपने आप में एक बड़ा एक मिस्टीरियस और बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है। अक्सर जो है उसकी इंटरप्रिटेशन जो है जिस तरह की जाती है, वो गलत इंटरप्रिटेशन है जो बुक्स में आपको देखने को मिलेगी। बुक्स में इंटरप्रिटेशन यही है कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पे जो है किसी को पीड़ा दी जा रही है, जिसको जो है सताया जा रहा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो टैरो के रियल सिंबल्स को जो है समझ पाते हैं। सबसे पहली बात, जब हम शॉर्ट की इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो शॉर्ट की इंटरप्रिटेशन जो होती है वो कुछ ऐसी होती है कि अगर शॉर्ट जो है अगर हवा में है, तो आपका मन जो है एक्टिव है,
अगर सॉट जो है जमीन में खुपी हुई है तो इसका मतलब यह है कि अभी आपका जो मन है वो एक्टिव नहीं है, वो एक सरेंडर मोड पे है। और एट ऑफ सॉट्स में हम क्या देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है उसके जो एट सॉट्स हैं वो सारे के सारे जमीन में खुपे हुए हैं, जिसका क्या अर्थ हुआ कि ये व्यक्ति जो है केपेबल है बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड का, कि इसके पास जो माइंड है, इसके पास जो थॉट की जो ताकत है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक सरेंडर की स्टेट जो है यहाँ पे जो है शो की गई है, और वो सरेंडर की स्टेट जो है कुछ ऐसी है, आप इसके पैरों के नीचे जो है पानी देख सकते हैं, और पानी जो है इमोशंस का जो है प्रतीक है, कप्स का जो है प्रतीक है। और जिस तरह से इसको बांधा गया है और जिस तरह से वो आंखों में पट्टी बांधी गई है, वो कुछ ऐसा है कि वो जब इससे बाहर आना चाहे वो आ सकती है, लेकिन वो स्थिति कुछ ऐसी है कि वो स्वेच्छा से जो है वो स्थिति में जो है प्रवेश करी है। इसलिए हमने वहाँ पे एक फीमेल को दिखाया, क्योंकि सरेंडर जो है वो सिर्फ एक फीमेल की बात है। जब भी आप सरेंडर करते हैं तब आप अपने भीतर की स्त्री के साथ जो है कनेक्ट होते हैं। तो बाहर के पुरुष और स्त्री की बात नहीं है, शरीर की बात नहीं है, आपके भीतर जब भी सरेंडर घटता है तो आपके भीतर की स्त्री जो है सरेंडर करती है। तो यहाँ पे भी जो स्थिति है कुछ अर्जुन की कुछ ऐसी ही हो रखी है कि वो अपने धीरे धीरे जो है एक सरेंडर मोड में जो है प्रवेश कर रहा है, और वो भगवान कृष्ण के साथ और गहरे प्रेम के साथ जो है उनके साथ जुड़ रहा है। और ये श्लोक जो है एक बहुत बड़ी घटना है अर्जुन के जीवन में, क्योंकि इसके बाद जो है भगवान कृष्ण जो है अपनी सीक्रेट्स जो है उसको रिवील करना शुरू करते हैं, उसको प्रॉपर गाइडेंस देना शुरू करते हैं, उसको जो है उसकी व्यथा से जो है बाहर निकालना शुरू करते हैं। तो इस श्लोक का मैसेज यही है कि उस भगवान के आगे अपने आप को जो है पूरी तरह से जो है खोल के बता दो कि आपकी क्या स्थिति है, कुछ भी मत छुपाना, सब कुछ प्रकट कर देना, अपने सारे दुख, अपने सारे सुख, अपने सारे सीक्रेट्स, सब कुछ उसको बता देना, ताकि वो तुम्हें वो होने में मदद कर सके जो तुम यहाँ होने के लिए आए हो। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रणाम।